तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं बाइक की विंडशील्ड के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव होते हैं ऑन डेली बेसिस। यार, ये विंडशील्ड कौन सी है, इसको कैसे माउंट करा, ये वाइब्रेट करती है नहीं करती है, कहाँ से मिलेगी, ऑफलाइन मिल सकती है, ऑनलाइन मिल सकती है, इसका प्राइस क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे से पूछी जाती है ऑन डेली बेसिस। तो आई थॉट कि यार एक वीडियो बनाना चाहिए जिसमें इसकी सारी डिटेल्स कवर करेंगे, राइट, एंड आपको बताएंगे कि यार ये वाइब्रेट करती है या नहीं करती, विंड से प्रोटेक्ट करती है या नहीं करती है। तो आज की वीडियो में बात करते हैं उसी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि उससे मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं ये कौन सा वाइजर है या विंड स्क्रीन है, कुछ लोग इसको विंडशील्ड भी कहते हैं, राइट। तो ये है हार्ले 750 स्पीड रॉड का वाइजर। एंड ये कौन कौन सी बाइकों में फिट हो सकता है? वेल, ये आप किसी भी बाइकों में फिट कर सकते हो। 7 इंच वाली हेडलाइट में भी कर सकते हो, 5 इंच की जो हेडलाइट आती है उसमें भी फिट कर सकते हो आराम से। जैसे कि आप जानते हो, मेटियोर 350 में हमारे को 7 इंच की हेडलाइट मिलती है, उसमें आराम से फिट हो जाता है, नो प्रॉब्लम, राइट। तो जो क्लैंप का है और थोड़ा नट बोल्ट का है, उसका थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाकी आप इसको किसी भी बाइक में फिट कर सकते हो। दूसरी बात आती है जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि इसको ले कैसे सकते हैं हम। वेल, ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल है, या फिर आपके पास कोई लोकल मार्केट है जहाँ पे बाइक का सामान मिलता है, या फिर आप किसी हार्ले के शोरूम में भी विजिट कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि हार्ले 750 स्पीड रॉड का आपको वाइजर चाहिए, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर इनकेस आपको ये वाइजर कहीं नहीं मिलता है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, एंड आई विल प्रोवाइड यू द नंबर ऑफ द मैकेनिक हु इंस्टॉल दिस वाइजर ऑन माई बाइक, एंड वो आपको दे देंगे। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो किसी का पर्सनल नंबर है। एंड अगर आपको वो नंबर चाहिए एंड आप उनको मंगवाना चाहते हो, आप किसी ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ पर ये आपको, जहाँ पर कोई शॉप अवेलेबल नहीं है, तो आप उनसे बात करके इसको अपने घर बैठे मंगवा सकते हो और वो आपके इंस्टॉलेशन में भी हेल्प कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ही मेरा वाइजर जो था इंस्टॉल करा था। बाकी आप रॉयल बुलेट की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हो, किंग इंडियन की वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, या फिर हार्ले की वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हो, आपको ये वाइजर आराम से मिल जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि क्या ये वाइजर वाइब्रेट करती है जब इसको चलाते हैं, और क्या ये कोई नॉइस क्रिएट करती है। कल मैं बताना चाहूँगा कि यार, 1 साल से ज़्यादा मैं इस वाइजर को यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करती है व्हेन यू राइड दिस बाइक, राइट। मैंने इसको हर टेरेंस पर राइड करा है, वेदर इट इज़ माउंटेन और कोई भी रोड, बारिश धूप, मैंने हर जगह चलाया है, कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कोई भी ऐसा साउंड नहीं क्रिएट करती है। अगर आप इसको हैंडल के थ्रू माउंट करोगे या फिर इंस्टॉल करोगे, ऑफकोर्स ये वाइब्रेट करेगी और आपको साउंड भी आएगा। लेकिन अगर आप देखोगे कि ये कैसे इंस्टॉल हुई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, ये विंड स्क्रीन है ना, ये माउंटेड है डायरेक्टली मेरी हेडलाइट से। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्लैंप लगा है और एक क्लैंप लगा हुआ है इस विंडशील्ड के साथ। तो दोस्तों, इसमें कोई होल नहीं आता, आपको वो होल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप इंस्टॉलेशन वाली वीडियो में देख सकते हो, मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। तो एक होल आपको विंडशील्ड में करना है और यहाँ पर तो आपके होल आता ही है, राइट, जहाँ पर आपकी हेडलाइट फिट होती है, माउंट होती है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक होल करना है, एक लोहे की पत्ती लेनी है 1 से 1.5 इंच की, आपको ये दोनों अटैच करने हैं और बस नट कस देना और ये आराम से टाइट हो जाएगा। एंड इसकी जो क्वालिटी है ना दोस्तों, बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही अच्छा प्लास्टिक मटेरियल है ये, एंड इससे ना बाइक की लुक बिल्कुल ही चेंज हो जाती है। तो दोस्तों, उसके बाद आती है इस वाइजर की यूजेबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, अगर इस वाइजर को आप एज ए विंडशील्ड लगाते हो कि विंड को प्रोटेक्ट करेगा, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो विंड प्रोटेक्शन। आप देख ही सकते हो यार, कहाँ तक ये आ रही है, तो क्या ही विंड प्रोटेक्ट करेगा ये, बिल्कुल भी नहीं, राइट। मैंने इसको इंस्टॉल इसलिए करा था क्योंकि आप देख सकते हो, मीटियोर 350 के जो ये क्या नाम है, मीटर कह सकते हो और ये नेविगेशन मीटर कह सकते हो आप, ये ऐसे ही रहते थे खाली से। तो मैंने कहा इनको कवर करने के लिए कुछ ढूंढते हैं, और मुझे ये फिर वाइजर मिला है, मैंने फिर इसको इंस्टॉल करा, तो बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। उसी के साथ साथ दोस्तों, जो बेस्ट चीज़ है इसकी, वो है इसकी लुक। तो भाई, इसको जब आप अपनी बाइक पे इंस्टॉल कर लोगे ना, इट इज़ एक्चुअली अ हेड टर्नर जब आप इसको अपनी बाइक पे इंस्टॉल करते हो, स्पेशली मीटियोर 350 पे। ये भाई मतलब ये ना बाइक की लुक बिल्कुल ही चेंज कर देता है कम्प्लीटली। एंड मतलब बहुत लोग तो पहचान ही नहीं पाते ये बाइक कौन सी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द विंडशील्ड। तो जब मैंने इसको इंस्टॉल करा था ना भाई, बहुत लोगों ने पूछा था भाई कौन सी है, और अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं विंडशील्ड के बारे में। तो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो फॉर यू ऑल। तो लुक के मामले में 10/10, राइट, बट यूजिबिलिटी के मामले में बहुत कम। एंड दोस्तों, इसको 110-120 पे चलाओ, कोई वाइब्रेशन, नॉट एट ऑल, बस इसको आप अच्छे से इंस्टॉल करिए। मैंने क्या देखा है, मैंने जो हमारे फ्रेंड थे विशाल भाई, उनके में कैसे इंस्टॉल हुआ था, उनके में यहाँ पर माउंट लगा के एक पतली सी लोहे की रॉड को यहाँ पर छेद करके यहाँ से इस हैंडल पे लगा रखा था। ऑफकोर्स वो एक काइंड ऑफ टंगना सा हो जाएगा, तो वो वाइब्रेट करेगा ही करेगा। तो आप उसे वैसे इंस्टॉल मत करिएगा, आप इंस्टॉल करिएगा हेडलाइट के थ्रू, विच इज़ एक्चुअली नाइस थिंग। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आप इसको घर पे मंगा के किसी भी मैकेनिक से इंस्टॉल करवा सकते हो। उसके बाद दोस्तों, बात आती है प्राइस की। तो दोस्तों, मैंने ना इसको 1 से 1.25 साल हो गया, 1 साल कुछ महीने मुझे हो गए, उस टाइम मैंने इसको ख़रीदा था। तो इसकी प्राइस मुझे बड़ी थी, 1500 से 1600, एग्जैक्ट याद नहीं है, 1500 से 1600 थी। एंड 200 या 300 रुपये लिए थे उसने मुझे इंस्टॉल करने के, अब का प्राइस मुझे नहीं पता है, राइट। सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली एंड यू कैन
यू कैन गेट टू नो द प्राइस। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा वीडियो इस विंडशील्ड के बारे में, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार ये विंडशील्ड कौन सा है, कहाँ से ले, कैसे ले, कितने का है और इसको इंस्टॉल कैसे करें। सो आई होप आई कुड आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हम उस पर वीडियो बनाएंगे बिल्कुल। तो दोस्तों दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल। इफ इट वाज हेल्पफुल तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत जाना, क्योंकि मिलती है बहुत सारे मोटिवेशन ऐसे और वीडियोस बनाने के लिए। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।